तो नदी के पानी आयल इतना भी जोर कि घर में भी पानी घुस गए आ जितना फसल रहे उतना सब पीट के बालू बराबर कर दिले। वो में माने कि छाती भर बालू कर दिले बा। अब छाती भर बालू के ओकरा में अब केहू तर जमीन के सुधार करे में 5 साल से कम ना लगे। ग्राम हरकाटो पंचायत रुपले के प्रभु नाथ जोखनाथ समेत सैकड़ों किसान का फसल बालू में ढक गया है और नदी के कटाव में बह गया है, लेकिन विभाग अभी भी मौन धारण किए हुए हैं। पर मुझे लगता है अब समय आ गया है इन किसानों की तरफ से आवाज उठानी जानी चाहिए। चाहे बालू रेत में काये में फसल हो, बालू रेत में वो में राड़ी भी जामता, इतना भी जोड़े राड़ी जामता कि राड़ी के जड़ में कुछ तो हो ही ना, जब राड़ी को पूरा उड़वाई ना है। रोज इसमें कितना किसान है? हमारा जैसा नहीं है तो लगभग मान लेते नहीं कि जो 30-40 आदमी से कम नहीं गए। जो मैं सोरे ना बलुरेत भी कह दिले बा तो वो बोलता कि जो नहीं तो वीडियो के पास दरखास्त लिख कर भेजिए कि पहले से बलुरेत है जो नहीं, उसको तो फोन कर देखिएगा तब तो था लगेगा कि इसमें है कि नहीं। कितना खेत रहा? दस कट्ठा में रो फसल कैसे लगे ले रहने? धान लगाओ ले। धान लगाओ में रो कितना लागत कर्जा कितना ले रहने? कर्जा रहने ले ले 20,000 रुपया। का ब्याज पर ले रहने? ब्याज पर ले ले रहने। तो लगाए में रो लागत में इतना पैसा लाग इतना लाग गए सब दही गए तब कथी से भरल जाए हम लोग लाइका छोटे छोटे बा मालिक नहीं खेबा मालिक मर गए। सरकार से तरफ से अब एक राहत मिलल बा कि ना मिलल बा? अभी तो सीधे लिखा पढ़ी के करके जाता एक दिन यह राहत का मिलल बा कि मिशन में 72 लिखा रहे तो मान लेते नहीं कि कलचुल दिलस तसली दिलस उसमें चना भी दिलस थोड़े भी चावल दिले 5 KG ये तो राहत मिलल बा। फसल के लेके रुआ का चाहता नहीं मान लेते नहीं फसल के लेके हमनी के सुविधा है सरकार दे एक इंक्वायरी करे देखे कि सही है कि ना है। मैं चाहती हूँ कि इस जिले को बाढ़ प्रभावित जिला घोषित किया जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए ताकि हम किसानों को कुछ राहत मिले। प्रखंड कृषि पदाधिकारी का मोबाइल नंबर है 99 31 82 62 83। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाए। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।